pb.ms338.pb802। जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये LED लाइट इस तरह से ब्लिंक कर रही है, स्टैंड बाई में नहीं है ना ऑन है टीवी। ये जो पार्ट है रेगुलेटर जो जला हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह दूसरा रेगुलेटर लगाएंगे। जहाँ पे हमारा जो रेगुलेटर फिट होगा वो पूरी तरह से जला हुआ है, एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। शॉर्टिंग 00 की बता रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। करने के लिए मैं एक DC पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 0 से 30 वोल्ट तक की सप्लाई रेंज होती है। मैंने उसे सेट किया है 1.1 पे और करंट मैंने सेंटर पे रखा हुआ है, और ये जो हाई लो की स्विच है वो हाई पे रखी हुई है। और मैं अब देखूँगा कि इसमें क्या चीज़ गर्म हो रही है। जो चीज़ गर्म हो रही है वही इसमें शॉर्ट है। प्रोसेसर गर्म होगी तो प्रोसेसर शॉर्ट है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या इसमें प्रोसेसर शॉर्ट है या कोई PF शॉर्ट है। शोल्डर कर दूंगा जो कॉइल की आउटपुट साइड है जो प्रोसेसर की साइड जा रही है। ग्राउंड वायर हाँ रेगुलेटर पे कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट जो बता रहा है अभी 1 एम्पियर के ऊपर है। इसका मतलब शॉर्टिंग ज़बरदस्त है। इस लाइन में कोई PF है जो शॉर्ट है, हम टच करके देखेंगे। अब मैं सप्लाई हल्की सी बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये IC गर्म हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 37 डिग्री पे अभी हीट हो रहा है। यहाँ 50 डिग्री बता रहा है अभी, तो ये टेम्परेचर अब इंक्रीज हो रहा है और ये IC इसमें ख़राब है। ये कंफर्म हो गया है कि प्रोसेसर शॉर्ट है। अब हम प्रोसेसर निकाल कर चेक करेंगे क्या हमारी शॉर्टिंग रिमूव होती है प्रोसेसर निकालने के बाद। BGA पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ किम्बो का। टेम्परेचर लगभग मैं 380 डिग्री पे सेट करूँगा। एयर लगभग 3 से 4 की। डायोड टेस्ट में रखा हुआ है मीटर को, और मैं अब चेक कर रहा हूँ आउटपुट लाइन जो हमने चेक की थी पहले, शॉर्टिंग बता रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओपन हो चुका है, मतलब अभी इसमें कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज प्रोसेसर का लोड था हमने डिसकनेक्ट कर दिया, और प्रोसेसर शॉर्ट थी 00 से। दूसरे बोर्ड में से प्रोसेसर निकाल के इसमें डालूँगा। ये मेरे पास दूसरा बोर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ट्रैक डैमेज है लेकिन प्रोसेसर ओके है। मैं आपको परफेक्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉल्स हैं ये ख़राब हो गए। इसे हम नए रिबॉल्व करके बोर्ड में डालेंगे। AC है उसे प्रॉपरली रिबॉलिंग करने के लिए तैयार कर लिया है। यहाँ पर अभी मैं
ये 0.4 mm की स्टेंसिल ले रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये 0.4 mm की स्टेंसिल है और ये मैच कर ली हमने आईसी। यहाँ आप देख सकते हैं आईसी पे बॉल्स बन चुके हैं, इसे मैं थिनर से क्लीन कर रहा हूँ अभी। जो भी मिस अलाइंड बॉल्स होते हैं इस प्रोसेस में सही हो जाते हैं और सभी बॉल्स जो हैं यूनिफॉर्म शेप में आ जाते हैं। ये प्रोसेस जरूर करना होता है। मैं अभी आपको माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ इसके बॉल्स कैसे बने, रिजल्ट आना चाहिए मेनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल्स क्लियर है सभी बॉल्स। बीच के हिस्से में यहाँ आप देख सकते हैं MSD 6A338ST, देख सकते हैं डॉट मतलब नंबर वन पिन, ठीक है ये पिन नंबर वन का डॉट है। अब हम आईसी को फिट कर देते हैं और आईसी को रख कर हीट करना है। आप देख सकते हैं आईसी हमने फिट कर ली है। अब आप स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करने से जो बॉल्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं और कुछ देर वेट करके आप किसी पेपर से टैप कर दीजिए। सो ये मिशन एकम्प्लिश हो गया है। अभी हमें एक काम करना है, यहाँ जो हमने कॉइल निकाल रखी है और ये रेगुलेटर निकाल रखा है यहाँ से जो चल गया था, ये 1.1 वोल्ट की लाइन है तो हमें यहाँ पर 1.1 वोल्ट देना है पहले। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने 1.1 वोल्ट के करीब यहाँ पर रखा हुआ है। एडजस्टमेंट हल्का सा आपको करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये 1.12 वोल्ट के करीब हो गया है। ठीक है, अब हम सोल्डर कर देते हैं। कभी भी कोई भी वोल्टेज आप देते हैं, जैसे अभी इनपुट हमने 5 वोल्ट दिया है और आउटपुट हमने 1.1 वोल्ट दे रहे हैं। अगर जो 5 वोल्ट इनपुट दिया है प्रीसेट से कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो कभी भी कनेक्ट करके आपको एडजस्ट नहीं करना है, पहले ओपन सर्किट में ही आपको एडजस्ट कर लेना है और फिर बाद में आपको सोल्डर करना है आउटपुट का तार। फाइनली जो हमारी तार है
आउटपुट की, वो हम सोल्डर कर देते हैं यहाँ पर। तो ये अभी मैंने सोल्डर कर दिया है, अभी ये स्टैंड बाय में है टीवी, हमें इसे ऑन करना होगा पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.1 वोल्ट की जो लाइन शॉर्ट थी उसके बाद हमने प्रोसेसर डाला, तो ये स्टार्ट हो गया है। अभी हमें पावर स्विच से ऑन करके देखना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है, मतलब ऑन हो गई है टीवी। और इसमें जो प्रोसेसर का फॉल्ट था हमने रिपेयर कर दिया है सक्सेसफुली। अब हम पिक्चर भी देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मॉडिफिकेशन जो किया है इस समय पे, क्योंकि नॉर्मली कभी भी प्रीसेट वाला मॉड्यूल डालना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 3.2K का एक रजिस्टर लगाया है जिससे कि मेरे एग्जैक्ट 1.1 वोल्ट निकलेंगे। मैं मीटर पे आपको दिखा देता हूँ कितने वोल्ट हैं इसमें। और ये सप्लाई पावर ऑन होने के बाद ही आनी चाहिए, इसलिए मैंने उसी जगह से दी है जहाँ से ये पावर ऑन होने के बाद हमें नज़र आए। मैंने यहाँ इस पॉइंट पे कनेक्ट किया है इसको और मैं पावर ऑन करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.15 वोल्ट, 1.14 वोल्ट के करीब बने हुए हैं और हमारा जो टीवी है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। फाइनल फ्रेंड्स, हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो अभी ठीक किया था वो था 1.1 वोल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.1 के करीब बता रहा है। और 3.3 वोल्ट, फाइव वोल्ट, यहाँ पर मैंने हीट सिंक के लिए ये जो हीट सिंक पैड है वो लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वोल्ट की सप्लाई लाइन है ये, ठीक है, और ये 1.5 वोल्ट की। और फाइनली हम चेक कर लेते हैं ये 3.3 वोल्ट ईएमएमसी के वोल्टेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट जो इम्पोर्टेंट है पैनल के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ डिस्प्ले आ चुकी है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं।